रामो माँ सोच में पड़ गया बेटा, खड़ा हो जाए एक बात बताऊं बेटा, तुझे तुम्हें इसके राज में कोई बात न मालूम होगी ना। मुझे क्या मालूम? मुझे मालूम है बेटा। क्या आखिर तुम्हें क्या मालूम है माता जी इस राज के? बेटा तेरे पिता के खून करने वाले का मुझे पता मिल गया है और मैंने देखा भी है जाते निकलते। क्या आखिर मेरे पिताजी को खून करने वाले को तुम जानती हो? मैंने फाटक से बाहर निकलते देखा है। तुमने देखा है? कौन है वो कमीना? माता से बताइए, उस कमीने को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम बोलते क्यों नहीं हो बताइए? तेरे पिता का खून करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तेरा चाचा मरना दे बेटा। मैंने फाटक से बाहर निकलते देखा है तेरे चाचा। तेरे पिताजी का खून करने वाला कोई गैर नहीं, तेरा चाचा अमरनाथ है, बल्कि मेरे चाचा अमरनाथ। हाँ माता दे, तुम झूठ बोलती हो। सच कहती हूँ बेटा, मैंने फाटक से बाहर निकलते देखा है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता माता जी, तुम तो जानती हमारे चाचा और चाची के एक भी बेटा बेटी नहीं है। अरे हमें जान से ज्यादा चाहते हैं, मानते हैं, हमें एक पल नहीं देखते तो वो बेचैन हो जाते हैं। और तुम कहते हो तुम्हारे चाचा जी ने खून किया है? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता मेरे चाचा जी ने खून किया है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि तेरे चाचा नहीं कर सकते, इसलिए उनके कोई संतान नहीं है। अपनी जान से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं, चाहते हैं। और ये भी सुना होगा, उस खून का इल्जाम तेरे बड़े भैया श्यामू पे लगाया गया है। और तेरे चाचा थाने में FIR भी दर्ज करवाने गए हैं। ये बात तो चाचा जी ने बोल के गए हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि तेरे चाचा खून नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बता सकता है कोई बेटा अपने पिता का खून कर सकता है? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता माता जी। आजकल ना जाने दौलत के खातिर किसका ईमान किस समय पर डिग जाए, लेकिन ये बता, यानी तेरे भाई मेरे पिताजी का खून चाचा अमरनाथ नहीं किया है? वो किया है। तुमने खुद अपने आंखों से देखा है? फाटक से बाहर निकलते देखा है मेरे। लेकिन माता जी मैं क्या करूं बताइए, मैं क्या करूं? सुनो, तेरे भैया को ये भी नहीं मालूम क्योंकि वो शिकार करने गया है। अरे माता जी उसे क्या मालूम कि पिताजी का खून हो गया है और तेरे चाचा गए हैं थाने में FIR दर्ज करवाने। कहीं ऐसा ना हो तेरा भैया उधर जंगल से आ जाए महल, और इधर पुलिस आ जाए, तेरे भैया को पकड़ ले जाकर के थाने में बंद कर दे माता जी, तो उसकी सारी जिंदगी जेल में बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत होने देना माता जी, कोई तरकीब बताइए। कहाँ है माता जी? कहाँ? मेरा भैया तो मुझसे पहले जंगल की ओर शिकार करने गया था। ना बेटा, उसे नहीं मालूम ना। तू एक काम कर, यहाँ से दौड़ते हुए चला जा। दौड़ते हुए जा जहाँ तेरा भैया श्यामू शिकार करता हो या बच्चों के साथ खेलता हो। उससे जाकर के कह देना कि माँ ने तुझे कहा है कि ये चंद्रनगर की तरफ वापस लौट के ना आए, कहीं दूर चला जाए, दूर भाग जाए। माता जी ठीक है, जाऊंगा अपने भैया से सारी बात बता दूंगा। अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं क्या करूंगा? अगर वो तेरी बात न माने तो उससे कह देना कि माँ ने तुझे अपने दूध की कसम दिया है, जो तू चंद्रनगर की वापस लौट के आया तो माँ का मरा मुंह देखेगा।
ठंडे ओलिया गे ले आधा मड़ाई मही का दिखा था आधा तो कोहिरे लाई डाइस। आप लोगों को मालूम होना चाहिए अभी अभी मेरी नई नई थाने में पोस्टिंग होके आई है। समझ लीजिए थरिहाँ थाने में मेरी नई नई पोस्टिंग होके आई है। मेरे इलाके में कोई दारू नहीं बना सकता, बना सकता है लेकिन पी नहीं सकता, खाली रिश्तेदारों को पिला सकता है। याद रखना 3 दिन में 56 थाना बदलता हूँ। आई एम पुलिस गवर्नमेंट सर्विस, दिस इज माई ड्यूटी। लोग मुझे प्यार से शुक्ला जी कहते हैं, शुक्ला जी। न घूस खाऊं न मूस खाऊं, ब्राह्मण आदमी गोश ज्यादा खाता हूं। चलता हूं थाने और देखता हूं इस वक्त कोई चौकीदार है या नहीं। ये साले चौकीदार इतना लापरवाह हो गए कि साले टाइम टाइम से ड्यूटी नहीं करते। अगर आज कोई चौकीदार लापरवाही करते मिल गया, इतना मारूंगा मारते 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 सो जाऊंगा, उठूंगा फिर मारूंगा। चलता हूँ और देखता हूँ थाने में कोई है या नहीं। क्या बताओ भैया, आज 1 महीना हो गए शुक्ला जी से हिसाब मांगा थो, मोरे घर में दिक्कत थी मगर कोई सुनाई नहीं है। आज जा रहा हूँ थाने, हिसाब लाई के आएंगे। नहीं नौकरी वोकरी सासु को छोड़, चलता। बताइए अभी तक साला कोई चौकीदार नजर नहीं आ रहा, पूरा थाना साला सुनसान। आज चौकीदार अगर मिल गया तो साले को इतना मारूंगा कि मारते मारते सो जाऊंगा, उठूंगा फिर मार मार। आने दो साले। शुक्ला जी जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अबे तू यहाँ का चौकीदार है? जी बड़ा छोट चौकीदार, अबे चाइना मॉडल है क्या? यस सर। अभी इतना लेट क्यों आया? यस सर। चौकीदार? यस सर। तुम्हें मालूम होना चाहिए यस सर कि सरकारी नौकरी बड़े मेहनत और बहुत परिश्रम के बाद मिलती है। यस सर। दूसरी बात, तुम इतना लेट आते हो, थाना खाली पड़ा है और तुम हमेशा ड्यूटी पे लेट क्यों आते हो? क्यों? आप तो सर जानते हैं क्या? समझ लो कि घर में अकेला हूँ। क्या कोई दो चार रहते हैं? अरे आप नहीं जानते हो। क्या बात है? अकेले रहता हूँ, अकेले खाना पीना बनाता हूँ। कम से कम नहीं मेरे 50 जानवर है। What? और क्या? 50 जानवर? यार चौकीदार जी, अगर तेरे पास 50 जानवर है तो यार तेरे खेती भी काफी होगी। नो व्हाट व्हाट नो, खेती कुछ भी नहीं? नो। अबे जब तेरे 50-60 जानवर है, खेती कुछ भी नहीं तो जानवरों को खिलाता पिलाता क्या है? अरे खिलाना क्या है, चाहे नरेश भाई से पूछ। अच्छा खिलाना क्या है? डर का हटा जा, खर 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 खार 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 ले लबेदा ले लबेदा। अभी चौकीदार यार, ये लबेदा का मतलब मैंने समझा यार, भैया लाल से पूछ लेना बता देंगे। तो इसका मतलब तो काफी ऊंची कास्ट का आदमी है। नो ठाकुर है? नो तिवारी है? नो
ब्राह्मण है नो, मौर्या है नो, तेली है नो, अबे तो कौन बिरादरी का है यार? अरे सर मैं जात का पासी हूँ। तेरी जात का पैदा मारू, साले जात का पासवान होकर के एक घंटे से विलंब करके रख दिया। यस सर। चौकीदार। यस सर। सारी बातें छोड़ो, सबसे पहले अदालत सामने लगाओ। यस सर। अदालत सामने लगाओ। अबे इडियट कहीं के। यस सर। अदालत ऐसी लगाई जाती है। यस सर। अदालत तूने उल्टी कर दी। यस सर। सीधे कर, सीधी कर। पता नहीं किसने तुझको चौकीदार बना दिया। आपने। डोंट आप प्लीज यू शट अप। यस सर। ऐसा करो। यस सर। यहाँ से जाओ अंदर ऑफिस में। यस सर। हमारी जीडी और रजिस्टर लेके आओ। यस सर। ओके ओके प्लीज गो। लीजिए। साला नींद आ रहा ठंडी में। चौकीदार। यस सर। अब तुम यहाँ से जाओ गेट पे। जी जी। अगर से हमसे कोई मिलने आए हाँ? तो बोल देना शुक्ला जी अंदर ऑफिस में है। ठीक है। ओके ओके प्लीज गो। आ मुझे इस वक्त थाने चलना चाहिए। चल चल नमस्कार नमस्कार। कैसे आना हुआ? अरे कुछ काम पड़ा इसीलिए आना हुआ। अच्छा अच्छा। ये बोलिए जी इस वक्त शुक्ला जी किधर हैं? अंदर है। कोई बात नहीं, जाओ उनसे बोल दो ठाकुर अमरनाथ आए हुए हैं। ठीक ठीक ठीक। आप ठहरे अभी जा रहा। जाओ शुक्ला जी आपसे कोई मिलने आया है? ठाकुर अमरनाथ आए हुए आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों क्यों? मरंडी हूँ, मबेसिया हूँ, जो मुझसे मिलना चाहते हैं। अरे मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि आप रंडी। ठाकुर अमरनाथ तो क्या यहाँ के एसडीएम है? हाँ भाई। उनसे जाके बोल दो जी अगर मिलना चाहते तो शुक्ला जी अंदर ऑफिस में बैठे हैं, जाके मिल लो। ओके ओके प्लीज गो। जी क्या बोले? अंदर चलिए। कोई बात नहीं, चलो चलो। शुक्ला जी जय हिंद की। ओ जय हिंद जय हिंद। कैसे आना हुआ ठाकुर साहब? अरे कुछ ऐसा काम पड़ा इसलिए आना हुआ। कैसे आना हुआ भाई? अरे थोड़ा रिपोर्ट दर्ज करवाना है। रिपोर्ट दर्ज कराना है? चौकीदार कम ही यार। जी डी रजिस्टर ले, इसको पकड़ पकड़। हथियार पकड़ ले, इसको भी पकड़ पकड़ लाइए। क्या मामला? शुक्ला जी जी लिखो लिखो, जैसा मैं कहूँ वैसे ही लिखना। लिखो लिखो। यानी आप जैसा कहेंगे वैसे मुझे लिखना। ठीक लिखो लिखो लिखो। जैसा कहूँ वैसा लिखना, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसा कहूँ वैसा लिखना, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शुक्ला जी शुक्ला जी ये क्या लिख रहे हो? ये क्या लिख रहे हो शुक्ला जी? शुक्ला जी
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा दिमाग हमारा दिमाग खराब है। क्यों क्यों दिमाग तो खराब है? नहीं, हमारा दिमाग खराब है और क्या। क्यों अभी हमने माइटर नहीं बोला, तुम लिखना चालू कर दिया। अभी आप ही ने बोला था कि हम जितना बोले उतना लिखो। और का पहले से बता दे रहा हूँ कि गड़बड़ी ना हो, तुम पहले ही लिखना चालू कर दिया। वास्तव में शुक्ला जी तुमसे भी मान गए। क्या यार, तुम अभी तक मैटर नहीं बोले, पूरे पन्ने का वाट लगा दिए। दूसरे पन्ने में लिखो। लिखो लिखो बोलो सेवा में, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय सविनय निवेदन ये है कि सज्जन से निवेदन है कि सविनय निवेदन। अच्छा, सबने निवेदन है कि आज रात, आज रात 12 बजे हमारे राजभवन में बड़े भैया प्रेमनाथ का खून हो गया है। खून करने वाला कोई दूसरा नहीं उन्हीं का बड़ा बेटा श्यामू जंगल की तरफ से आकर गनासा से अपने पिता का खून कर दिया। क्यों लिखो लिखो तुम्हारा दिमाग खराब है? क्यों ये बताइए। कहो कहो कोई लड़का अपने पिता का कत्ल कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है हो सकता है साला लौंडा जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, साला जुआड़ी हो, साला रंडीबाजी करता हो, बाप से पैसा मांगा होगा तो बाप ने नहीं दिया तो बाप का सीधा लंबरी। कहीं दौलत के लालच में आपने तो नहीं अपने भैया को पेल दिया? अरे शुक्ला जी, तुम कैसी बात कर रहे हो? कोई अपने भाई का खून करेगा? देखिए, पुलिस का काम है शक कर। कोई बात नहीं मुझको तुम्हारे ऊपर शक होता है। खैर कोई बात नहीं, डोंट मेरी नो टेंशन। हो सकता है साला नया खून है, नया लौंडा है। आजकल बच्चे लोग इतना बदतमीज हो गए हैं, संगत के अनुसार किसानों को जन्म दे देते हैं। माँ बाप कितने मुसीबत से उनको सेते हैं, पालते हैं, फिर भी साले अपने माँ बाप का कहा नहीं करते हैं। मानता हूँ तुम्हारी बात, हो सकता है साला लौंडा बदतमीजी कर गया हो। लिखो उन्हीं का बड़ा लड़का श्यामू जंगल की तरफ से आकर गनासा से अपने पिता का खून करके जंगल की तरफ फरार हो गया। लिखना बंद कर दीजिए। शुक्ला जी अरे लिखना बंद कर दो। बेवकूफ हो गए हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। गधे हो। हम गधा है? गधे तो आई हो। हम गधा है? अरे गधे तो जब बता दिया तीगरी को, रिपोर्ट समाप्त हो गई, लिखना बंद कर दो। तुम्हें बंद कर देना चाहिए। बताइए इसमें मना कर रहे हैं कि बंद कर दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, फिर भी सब उसमें लिख दिया। तुम भी शुक्ला जी बताइए इसमें गधा घोड़ा लिखा दिया। चलो गधे को काट दो। गधा काट के हाथ ही लिख देता हूँ। लो दस्तक करो। लो ना दस्तक करो, 11 तक करो। कहाँ पे करूँ?
अंधे हो क्या? नहीं अंधे नहीं, बताओगे यहाँ पे करना है? नीचे। हाँ नीचे तो लीजिए। थैंक यू, जाइए, घबराइए नहीं। इसकी कार्रवाई शुक्ला जी बहुत जल्द होनी चाहिए। आप घबराइए नहीं, मैं वादा करता हूँ अगर इस बदतमीज लड़के को 24 घंटे के अंदर अगर मैंने सलाखों के पीछे नहीं डाला तो मेरा भी नाम शुक्ला जी नहीं। अगर रिश्वत रिश्वत की कोई बात हो खाने पीने की तो इसमें कोई फिकर नहीं करना है। देखिए ना, मैं घोस खाऊं ना मोस खाऊं, अपने हाथ से जेब में डाल दोगे बात अपनी जगह रहे। कोई बात नहीं, बाकी मैं रिश्वत को हाथ नहीं लगाता हूँ, रहन दो यार, हो जाएगा। अरे ठीक है शुक्ला जी। अरे आपकी बात है, खैर घबराइए नहीं। तुम फिकर क्यों कर रहे हो? अरे यार मैं कभी इसको हाथ ही नहीं लगाता हूँ। अरे तो फिर भी क्या है, कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं। जाइए जाइए, चलो जाइए। चौकीदार जी, जीप निकाल। जी जीप ला। जीप तो सर पंचर हो गई है। What? जी जी पंचर है। हाँ? तूने बनवाया नहीं? नो। क्यों? उसको बेच दी। तेरी जात का बायदा मारू साले, तेरी औकात कैसे कि जो कानून की जी। अरे उसको बेच के नहीं लाया हो। अच्छा उसको पुरानी हो गई थी? वो पुरानी हो गई थी, वो थोड़ा सोच रहा था कि नहीं ले आऊ। ओ अने गाड़ी उसको बेच करके नहीं लाया हूँ। गाड़ी कहाँ है? सर गाड़ी मगर बैल नहीं है। इसका मतलब तो साले मेरे लिए लड़ी बैल लाया है। जी अबे गधा, जब तक साले हम लोग लड़ी बैल थे जाएंगे साले मुलजिम फरार हो जाएगा, तेरी मेरी नौकरी की लेनी देनी पड़ जाएगी इडियट कहीं के। अरे सर मुलजिम फरार हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा, ड्यूटी पूरी हो जाएगी। इसका मतलब तो साले मेरे पास खाली ड्यूटी निभा रहा है। जी चौकीदार, हर थाने में वार्लिस मार दो। ठीक, हर थाने में वार्लिस मार दो। गली गली में कर्फ्यू लगा दो। ठीक, कोई बच्चा सुबह तक सातो जोगा सातो धर्मपुर का बच्चा सुबह तक टट्टी न जाने पाए। ठीक ठीक, चल चारों तरफ घेराबंदी कर दे। आइए आइए, क्या बताऊं मुझे चल करके सारी बात अपने भैया से बताना चाहिए, लेकिन चाचा जी तुमने अच्छा नहीं किया, खून तुमने किया, खून तुमने किया, दोष मेरे भैया पे लगा दिया और उस खून का इल्जाम थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवा दिए। अरे चाचा जी, मेरे पिताजी ने आपका क्या बिगाड़ा था जो तुमने खून कर दिया? मेरे मालिक, मैं कहाँ जाऊं और किधर को जाऊं, किधर को ना जाऊं, ना जाने मेरा भैया इस घनघोर जंगल में ना जाने कहाँ शिकार करता होगा। मैं चलूं आवाज लगाते लगाते, अरे अब कहाँ जाए हम, अरे बता दे जमी किस जहां में हमारा जाए हम, अरे बता दे जमी
लगता है मेरे भैया की आवाज है भैया, ये लगता है मेरे रामू की आवाज है भैया। तुम कहाँ हो? वो जंगल में कैसे आ सकता है भैया? तुम कहाँ हो रामू? भैया मैं आंसू बह रहे हैं भैया, क्या बताऊं? मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता। अरे कैसे बताऊं आपको मैं? अगर मुझे बताओगे नहीं तो मालूम कैसे होगा किस लिए इस बियाबान जंगल में आए हो? पिताजी का क्या? कुछ कहा नहीं जाता, कैसे कहूं? अरे क्या हुआ भाई, बोलो तो भैया। रामू पिताजी का कौन हो गया भैया? तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं। अभी अच्छा भला पूरे परिवार को मैं छोड़ कर आया हूँ, और चाचा जी ने कहा बेटा श्यामू तुम जंगल शिकार खेल कर सूर्यास्त होने के पहले राजमहल वापस चले आना, और तू कह रहा है पिताजी का खून हो गया। रामू भैया आप यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, पिताजी का खून हो गया है। पिताजी का खून हो गया है? हाँ तुमने देखा है? नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। अगर पिताजी का खून हुआ तो ये बोलो खून किसने किया है? भैया पिताजी का खून करके और फाटक से निकलते हुए माताजी ने खुद अपने आंखों से देखा है। क्या माताजी ने देखा है? हाँ किसने खून किया ये भैया? पिताजी का खून करने वाला कोई गैर नहीं, अरे हमारे चाचा अमरनाथ ने किया है भैया। हमारे चाचा अमरनाथ कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए कितने प्यार से पूरे परिवार को रखते हैं, और तुमको हमको चाहते हैं, और तुम कह रहे हो चाचा ने खून किया है। हमें विश्वास नहीं हो रहा भैया। चाचा जी को फाटक से निकलते हुए माता जी ने खुद अपने आंखों से देखा है। क्या क्या? हाँ चाचा जी को माता जी ने देखा फाटक से निकलते हुए। हाँ तो क्या चाचा ने खून किया है? हाँ तो ऐसा पिता जी का खून चाचा अमरनाथ ने ही किया है। अगर चाचा अमरनाथ ने खून किया है तो रामू ऐसा है हम इसी वक्त इस जंगल से राजमहल चलते हैं, और जिस तरीके चाचा अमरनाथ ने हमारे पिता का खून किया है उस सलाम सादे के तीन भगवान के लिए वहां मत जाइए। क्या कहा? वहां मत जाइए भैया। ये बोलो मुझे जाने से क्यों रोकते हो भैया? आपको नहीं मालूम, आपको कुछ भी नहीं पता, यही बात तो मैं आपको बताने आया हूँ। क्या? अरे जानते नहीं हो भैया, चाचा जी ने उस खून का इल्जाम
को पुलिस पकड़ के सीधा जेल में डाल देगी, सारी जिंदगी जेल में बीत जाएगी। इसीलिए भैया मैं कहता